निजता और डाटा सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने की कोशिश के तहत केंद्र सरकार अब आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन तरीकों पर जोर दे रही है, जिसमें ऑथेंटिकेशन के लिए UIDAI सर्वर की जरूरत नहीं होगी। आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार QR कोड और पेपरलेस KYC की योजना लेकर आ रही है, जिसमें ना बायोमेट्रिक डिटेल को शेयर करने की जरूरत होगी और न ही आधार के सर्वर के इस्तेमाल की। इस तरह की KYC यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया में उपभोक्ता को अपने आधार नंबर को भी देने की जरूरत नहीं होगी। इसमें निजी सूचनाओं के दुरुपयोग और उनकी ट्रैकिंग की आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। आधार वेरिफिकेशन की ये ऑफलाइन प्रक्रिया है। निजी कंपनियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार की प्रामाणिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का भी पूरी तरह पालन करेगी। QR कोड को UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा। सेवा प्रदाता इस साइट से QR कोड रीडर को डाउनलोड कर सकता है या वो ऐसा स्कैनर ले सकता है जो आधार नंबर प्रिंटआउट के QR कोड को पढ़ सके। UIDAI ने पेपरलेस लोकल eKYC की भी पेशकश की है और इसे भी लैपटॉप या फोन में स्टोर किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को निजी सूचनाओं में सिर्फ नाम और पता देना होगा। ये वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, इसलिए सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि आपने बैंक अकाउंट खोलने, इंश्योरेंस करवाने या सिम कार्ड लेने के लिए आधार का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।